बता दूं मेरे चैनल पे चलता है गिव अवे, और गिव अवे का रूल मैं आपको बता देती हूँ। लास्ट 2 वीक से स्टार्ट हुआ है, 2 वीक का गिफ्ट मिल भी चुका है, 2 जन को मिला है। और रूल्स बता देती हूँ, आपको करना है वीडियो को लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, उसके साथ इंटायर वीडियो में आपको देखने को मिलेगा हार्ट्स, और आपको करनी है काउंट हार्ट्स इंटायर वीडियो तक, और लास्ट में कमेंट डाउन करनी है अपने अच्छे से कमेंट के साथ जो आपको अच्छे लगे मेरे वीडियो में, या अगर कुछ बुरा लगा हो, कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हो तो उसके साथ भी आप लिख सकते हो काउंट करके हार्ट्स कितने हुए हैं। लास्ट 2 वीक्स में मैंने विनर डिक्लेयर किया, उनके पास गिफ्ट भी भेज दिया, एक को मिल गया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी कर दिया, और एक को नहीं मिला है अभी तक, शायद फेस्टिव चल रहा है इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है डिलीवरी, तो वो जब मिल जाएगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और ये वीक स्टार्ट हुआ है फ्राइडे से, और ये वीक गिव अवे स्टार्ट हुआ है फ्राइडे से, और इंटायर वीक तक चलेगा, दैट इज दिस थर्सडे तक, फ्राइडे से लेकर थर्सडे तक 7 दिन में आपको सारे वीडियो देखनी है, सारे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, और सारे वीडियो में जो हार्ट आपको दिखेंगे काउंट करके कमेंट में लिखना है, जो सारे वीडियो में सही आंसर देंगे मैं उन्हीं का कमेंट लास्ट वीडियो से, थर्सडे के वीडियो से कमेंट पिकर से रन करूंगी आपके सामने, और आप देख पाओगे आपके ही सामने कौन विनर बनते हैं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मेरे लिप केयर विद दिस बायोटेक टिंटेड लिप बम, बहुत ही मैट सा और लाइट सा मेकअप होगा, तो इसी के वजह से मैं बहुत ही मैट सा लाइट सा मेकअप करने वाली हूँ। CTM मैंने नहीं किया है, CNT मैंने कर लिया है, दैट इज क्लिनजिंग एंड टोनिंग, और मॉइस्चराइजिंग मैं करूँगी। आज मैं कोई भी वो प्राइमर का यूज़ नहीं करूँगी, आज मैं एलोवेरा जेल का यूज़ करूँगी। आज मेरे पास है वाव का एलोवेरा जेल, जैसे कि मेरे फेस पे पिंपल आए हुए हैं, लाइट वेट सा एक मेकअप करनी है थोड़ा सा ना, वो ये ड्रेस मुझे 90s की तरह लग रहा है ड्रेस, तो मैंने सोचा कि कुछ लाइट वेट सा मेकअप बना लूँ। तो मैं ऐसे कुछ प्राइमर या हेवी मेकअप आज करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट आने वाली है, वैसे भी बहुत सारे पिंपल्स आए हुए हैं ये मास्क पहनने की वजह से। मास्क के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी अलग से कि मास्क पहनने के बाद आप अपने स्किन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो। अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ मास्टर प्राइमर मेबलिन का। जैसे कि पिंपल आए हुए हैं, पिंपल के जो स्पॉट्स है उसको थोड़ा सा छुपाना है, तो इसी के वजह से मैं यहाँ जहाँ जहाँ स्पॉट्स बन गए हैं छोटे छोटे छोटे, अभी इसको जाने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैं उसी को हाइड कर रही हूँ। अपने नेक पे भी बहुत सारे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी आए हैं, यहाँ तक मास्क रहता है और इस एरिया पे ही मेरे आए हैं, और 2-3 दिन से मैं सन में जा रही हूँ, तो सन बर्न तो पूरी तरह हो रहा है और बुरी तरह मेरे स्किन के ऊपर इफ़ेक्ट आ रहा है। वैसे तो पता नहीं क्या होगा, कब ये सारे मास्क छूटेंगे। अभी मैं यूज़ करने वाली हूँ मेबलिन का मैट पोरलेस वाला फाउंडेशन, थोड़ा सा मैं यूज़ करूँगी, एकदम ही थोड़ा सा मैं अपने फिंगर टिप से ही एकदम डॉट डॉट करके अप्लाई करूँगी, और बहुत फर्स्ट ये मेकअप होगा, क्योंकि आज ना मैं कोई वैसे कुछ शेडो पहनने वाली हूँ, आई शेडो या कुछ, आपको मैं दिखाऊँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ आज आई शेडो की जगह आपको दिखाऊँगी मैं। अभी मैं डैम स्पंज की मदद से, जो कि है कलर बार का, इससे ही मैं अपने जो फाउंडेशन है उसको ब्लेंड करूँगी। हल्के फुल्के जॉर्जेट गाउन के साथ आज जो मेकअप वीडियो दिखा रही हूँ, आप ये 5 मिनट में अपने घर में ही कर सकते हो। अपने कान को मत भूल जाना और नेक को भी मत भूल जाना, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ। अभी मैं एक बड़े ब्रश की मदद से कॉम्पैक्ट पाउडर से, ये एकदम मेबलिन का एकदम रिजनेबल वाला है, मैं इससे कवर करने वाली हूँ। अभी मैं फुल फेस करूँगी, क्योंकि बहुत गंदा वाला गर्मी है, अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपको फुल फेस को प्रोटेक्शन देना चाहिए। वैसे तो सनस्क्रीन अप्लाई कर लेना, जैसे मैं अभी बाहर नहीं जा रही हूँ, नाइट टाइम शूट कर रही हूँ तो सनस्क्रीन मैं अप्लाई नहीं कर रही हूँ, बट
बिफोर प्राइमर और बिफोर यूजिंग एनी काइंड ऑफ जेल और एलोवेरा जेल आप सनस्क्रीन अप्लाई कर लेना। डन, मैंने बेस मेकअप कर लिया। अभी थोड़ा सा मैं बेस को सेट करूंगी और ये है वो स्प्रे जिसे मैं सेट करूंगी। दो तीन दिन मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ। ये NYB का मेकअप फिक्सर है। इसका स्मेल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बहुत ही रॉ इसका स्मेल आता है। बहुत बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों, बट सुपर स्टे है, सुपर स्टे करता है और बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है और हैवी फील नहीं होता है। तो डन, अभी मैं जो करने वाली हूँ वो है मेरे जो कंटूर पैलेट है मैं उसको यूज़ करने वाली हूँ। और बहुत ही इजी तरीके से बताऊँ, कोई भी ब्रश आज मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं अपने फिंगर टिप से ये वाले जो शेड है ना इसको ले रही हूँ और अपने आई लिड्स के ऊपर लगा रही हूँ। थोड़ा सा हल्का सा एक डिफरेंस आप देखो दोनों आईज में, एक ब्राउनिश जो डीप स्किन के कलर जो डस्की कलर होता है ना वैसा वाला कुछ आ रहा है शेड। और डे में आप कोई लुक कर रहे हो या हल्का सा कोई भी गाउन पहन रहे हो तो आप डेफिनेटली ऐसे ट्रिक को अप्लाई कर सकते हो, या आपके पास कोई भी आई शेडो नहीं है तो आप ऐसे कर सकते हो। शेड भी आ गया और ये एकदम ही स्किन की तरह ही हो गया, स्किन में जो कलर है उससे थोड़ा सा डीप सा कलर आ गया। अभी मैं अपने नोज को कंट्रोल करूंगी और वो भी हैंड से, हल्के हाथों से थोड़ा सा नोज के साइड में मैं इसको ऐसे करूंगी, रब करूंगी थोड़ा सा एकदम हल्के हाथों से तो नोज शार्प दिखेगा। और कंट्रोलिंग के लिए मैं थोड़ा सा ऐसे करूंगी, थोड़ा सा एकदम ही, क्योंकि मुझे पिंपल्स आए हुए हैं तो मैं ज़्यादा मेकअप की रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। और एकदम ही थोड़ा सा, इसलिए मैं हाथ का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने कोई भी ब्रशेस अभी भी वॉश नहीं किया है तो इसी के वजह से मेरे ब्रशेस अभी गंदे हैं और वो अगर मेरे फेस पे लगेंगे तो ये सारे प्रोटेक्शन आपको मेंटेन करनी है। जितना भी कुछ हो जाए, जितना भी आपको यूज़ करना हो, ये सारे चीज़ों को मेंटेन करना। अभी मैं पाउडर ब्रश की मदद से थोड़ा सा इसको भी ब्लेंड कर देती हूँ क्योंकि फोरहेड में कुछ ज़्यादा ही लगा था। डन, और अभी क्या करनी है, मेरे पास कुछ है जो मैं यूज़ करूँगी। ये बहुत ही पुराना है, एक ब्रश सेट के साथ था और ये है वो आईब्रो को कॉम करने वाला, तो मैं करूँगी वही और कुछ करूँगी उसके साथ, वो भी देखो। थोड़ा सा ना मैं ये जो पाउडर्स वगैरह लगा हुआ है उसको मैं इससे ही साफ़ करूँगी। तो मैं आज स्पूली का यूज़ नहीं कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे कुछ डिफरेंट दिखाना था, जैसे कि मेरा ड्रेस ही है आज डिफरेंट तो मुझे कुछ डिफरेंट दिखाना था। अभी मैं कर रही हूँ मेबलिन वॉल्यूम एक्सप्रेस वाला मास्कारा का यूज़ और इससे ही मैं अपने आईब्रोज को फिल करूँगी। एकदम इसको ड्राई कर लो और एकदम हल्के हाथों से ऐसे स्ट्रोक कर दो, एक दो बार, ज़्यादा नहीं, एक दो बार बस। डन, और कुछ भी नहीं करना है। फिर से ये जो मेरे पास है इसका जो कॉम साइड है उससे मैं एक बार कॉम कर दूंगी इसको, थोड़ा सा, एकदम ही थोड़ा सा, एकदम सेट हो गया और इसमें फिल भी हो गया जो गैस वगैरह था ये सब। अभी मैं पहनने वाली हूँ ये है पर्पल का आईलाइनर, ये स्पाई आईलाइनर, तो मैं इसी से ड्रॉ करूंगी और एकदम हल्का सा करूंगी। और कुछ भी नहीं करना है, एकदम हल्के से लगाया है। अभी मैं यूज करने वाली हूँ काजल, तो यूज करूंगी बट ये है ओरिफ्लेम का काजल और ये है द वन स्टाइलिंग काजल और इसका जो शेड है वो है वायलेट, ये वाला शेड है वायलेट। और मैं इसी से ही स्मज करूंगी मेरे लोअर लैश लाइन को। देखो कितना
कितना सुंदर सा आया है। डन, मैंने दोनों आईज में कर लिया है। अभी मैं वॉल्यूम एक्सप्रेस मास्कारा से मैं अपने आईलैश को भी कर्ल करूंगी, एकदम हल्के से। ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा लॉन्ग लैशेस दिखानी है। वैसे भी ये वाले जो आईलैश मतलब कि मास्कारा है, इससे आपके आईज के जो वॉल्यूम है, आईलैशेस के वॉल्यूम है, वो इंक्रीज होते हैं। डन, ऑलमोस्ट डन। मैं एक बार थोड़ा सा स्प्रे कर लेती हूँ, एकदम ही थोड़ा सा स्प्रे मैंने कर लिया है। ये स्प्रे बहुत लाइट वेट है, एकदम स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है बट लाइट वेट है ये, तो इसी की वजह से आईज में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है या फेस में कोई भी ऐसे हैवीनेस फील नहीं होता है। तो ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने कर लिया है। अभी थोड़ा सा मैं हाइलाइटिंग करूंगी विद दिस, और मैं अभी अपना फिंगर टिप ही यूज करूंगी और मैं दूसरे फिंगर यूज करूंगी। और ये जो हाइलाइटर है ये मेरा, ये बहुत ही लाइट वेट है। आप मैं अगर सन में जाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि मैंने हाइलाइटर लगाए हैं, अदरवाइज आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने हाइलाइटर लगाए हैं। हाइलाइटर भी मैंने लगा लिए हैं और अभी लास्ट बाकी जो है थोड़ा सा ये करना, मतलब कि ब्लश, मतलब कि ब्लश। अभी ब्लश के लिए मैं क्या करूँगी, कुछ नया तरीका अपनाऊंगी, जो कि मैं आज कुछ नया नया ही कर रही हूँ। और इसके लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ द फेस शॉप का वाटर फिट टिंट, और ये लिप टिंट है। इसको मैं अपने चिक्स पे लगाऊंगी, यहाँ पे और यहाँ पे। अभी मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ही ब्लेंड करूंगी। डन, और कुछ नहीं करना है। अभी अभी सिर्फ बाकी है लिपस्टिक, और लिपस्टिक के लिए मैं कुछ मैटिफाइंग कुछ करना चाहूंगी, तो मैं इसके लिए यूज कर रही हूँ नायका का ये वाला मिनी लिपस्टिक, और इसका जो शेड है वो है मुमताज और शेड नंबर है 13। तो मैं इसको ही अप्लाई करूंगी, एकदम रेड है। इसका मैं स्वाचेस ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ, लिप बम मेरे लगाया हुआ है। मैंने बेस बना लिया है, बट ये ड्रेस के साथ इतना ज्यादा ग्लॉसी वाला लिपस्टिक अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसके ऊपर ले वाली हूँ। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट पाउडर भी लगाने वाली हूँ। अब देख सकते हो एकदम मैटिफाई हो गया, और मेरा मेकअप भी यहीं पे खत्म होता है, और कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने। अभी सिर्फ मैं करने वाली हूँ इयररिंग्स को पहनने वाली हूँ। तो मैंने इसके साथ ही मैच करके कुछ खरीदे थे, उसी को मैं डालूंगी आज, और वो है ये वाले इयररिंग्स जो कि मैंने मीशो से लिया है। और ये सारे जो ड्रेस है, मेरा ड्रेस आप बोलो या मेरे ज्वेलरीज बोलो, सारे ये मिशो के हैं, और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने दोनों इयररिंग्स डाल लिए हैं। वैसे तकलीफ हो रहा था डालने में, क्योंकि मैं इतने बड़े बड़े रिंग्स कभी नहीं डाली हूँ। एकदम लाइट वेट सा रिंग है, और ये है एक नेक पीस जो कि सिंगल है, इसके साथ कोई भी वो इयररिंग्स नहीं, तो मैं इसको ही डालूंगी।
एकदम टाइट है, चोकर की तरह है। अभी मैं अपने हेयर स्टाइल करने वाली हूँ, आज मैं कुछ अलग तरह से करूँगी। और मैंने बताया ना, आज मैं जो जो करूँगी आप इजीली अपने घर में 5 या 10 मिनट में ही कर सकते हो। तो ये है मेरे जो हेयर, अगर छोड़ा हुआ हो तो ऐसा वाला दिखता है। थोड़ा सा मैं कॉम कर लूँगी, वैसे तो ड्रेस के साथ मेरे हेयर एकदम बर्गंडी लग रहा है, वैसे बर्गंडी है नहीं, ब्राउनिश है। बहुत दिन तक मैंने कलर नहीं किया है, बट मेरे हेयर पे ना कलर बहुत अच्छी तरह से स्टे करता है। मतलब कि सब देखेंगे तो बोलेंगे कि मैंने 2-3 दिन पहले ही कलर करवाए हैं, बट ये जो मेरे कलर है ना, ये शायद मेरे एकदम मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट कलर बन चुका है, क्योंकि मैंने 6-7 महीने या उससे भी ज़्यादा पहले के कलर करवाए थे, 9-10 महीने पहले, बट वो अभी भी है। और ये वाले ड्रेस के साथ ना, ये वाले बेल्ट ऐसे कुछ गाउन के साथ, ये वाले बेल्ट आप कितने भी हैवी हो, प्लस साइज के कपड़े पहनते हो, फिर भी आपको ना ऐसे वाले बेल्ट सारे जो यहाँ पे लूज फिटिंग्स वाला गाउन होता है, अनारकली वाला गाउन होता है, उसके साथ बहुत अच्छी तरह से जाता है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आप ज़रूर बताना कि इसके साथ ये वाला गाउन कैसा लग रहा है, आप एक बार फुल गाउन भी देख लो। तो ये है मेरे गाउन के फाइनल लुक, और ये है मेरे फुल गाउन जो कि मेरे एकदम मैक्सिमम लेंथ तक आती है। और ये जो गाउन है इसके नीचे मैंने साड़ी शेपर डाली है, क्योंकि ये जो लेंथ है इतनी तक आती है, जो इसका इनर है अंदर का, ये इतनी तक आती है, तो मैंने इसके अंदर साड़ी शेपर डाली है। आप पेटीकोट भी डाल सकते हो, या कोई भी आपके पास शॉर्ट्स हो रेड कलर का, कलर के साथ मैच करना पड़ता है, वो भी डाल सकते हो, तो कम्फर्टेबल रहोगे। मैं कम्फर्टेबल नहीं थी इसलिए मैंने साड़ी शेपर डाल लिया। तो ये है मेरे फाइनल गाउन के लुक, और ये मुझे बहुत